मोदी जी के मत्थे ते पत्ता जांदा सानु पता लग जांदा पक्का मुनाफिक है जिंदे चेहरे ते खुशी आ जांदी है सानु पता लग जांदा पक्का मोमिन अरे तकबीर अरे रिसालत और एता सरदार है ना जी बेशक जेरे सरदार मनेंदो बोलो सुभान अल्लाह एता सरदार है ना इना सरदारा दी शान कोई क्या बयान करे एक ताबी गुजरे ताबी उन्हां दा नाम है मालिक बिन दीनार क्या नाम मालिक बिन दीनार आप फरमाइंदे ने सिहादी दी तैयारी की थी काफला तैयार हो गया जेले काफला तैयार होया ना उस काफले च बुढ़ी माई तैयार हो गई ज़ईफ खातू हड्डियां उदिया निकली हो गया और जिस डाची ते सवार हुई उस डाची दी भी हड्डियां निकली हो खुद भी कमजोर डाची भी कमजोर मालिक बिन दीनार फरमाते सारे काफले आ लिया उस अम्मा दी मिन्नत की थी अम्मा मेहरबानी कर तेरी वजह तो सारा काफला तंग हो सी सारा काफला परेशान हो सी मेहरबानी कर तू हज ते ना जा न तू जावण आली न तेरी डाची जावण आली सारा काफला तेरी वजह तो तंग हो सी ओ बुढ़ी बोली उस आख्या लै भला यही हो सकता है मैं अल्लाह का घर ना वेखा मैं तो भाई अल्लाह का घर वेखना ही वेखना मैं तो जामना ही जामना मालिक बिन दीनार फरमाते काफला मजबूर हो गया काफला हज ते रवाना होया असी थोड़ा जिया सफर किया ओ डाची डट्ठी ओ बुढ़ी भी ठहर पे कमजोर जुवा सुभान अल्लाह हुन बुढ़ी जो डट्ठी ना इस बुढ़ी ने आसमान दी तरफ निगाह मां उठाईया ते आसमान दे निगाह मां उठा के अपने रब नाल अपने खालिक नाल अपने प्यार दा लाड दा इजहार किया मैं इस बुढ़ी दा लाड पे सुनी ना मैं वेना कहीं इस बुढ़ी दा लाड पसंद आता है इस बुढ़ी ने आसमान दी तरफ निगाह मां उठाईया ते आसमान दे निगाह मां उठा के बोली मालिक जो हो जे कोई होर होंदा मैनु गिला देवा पर तू हो तू मालिक हुण मैं तेनु गिला देवा ता दीवा किवे ओ ताबी फरमाइंदे नहीं यो माजरा वे देख लो ते आसे इतनी देर छे उठ आया उस ते उठ सवार उस बुढ़ी दे करीब आया उस उठ बिठाया बुढ़ी नु उठ ते सवार कीता ते बोले अम्मा घबरा नहीं मैं तेनु अल्लाह दे घर ले जाना मालिक बिन दीनार फरमाइंदे काफला मुड़ सफर ते रवान हो गया सारे खुश हो गया मसला हल हो गया मालिक बिन दीनार फरमाइंदे थोड़ा जिया सफर कीता मुड़ के वेखा ना उठ ना उठ सवार नौ बुढ़ी गायब हो गए मालिक बिन दीनार फरमाते सारे परेशान हो गए सन ना उठ दी फिकर ना उठ सवार दी फिकर सन तो बुढ़ी दी फिकर भाई बुढ़ी किधर गई मालिक बिन दीनार फरमाते नहीं से परेशानी च मक्के शरीफ पहुंच के लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमदा वन निअमता लकल मुल्क ला शरीक लक मालिक बिन दीनार फरमाइदन काबे दा तवाफ शुरू कीता मालिक बिन दीनार फरमाइदन काबे दा तवाफ करे दिया शकदम जो सड़ी नजर पई ना वो बंदा उस बुढ़ी ने तवाफ बदा मालिक बिन दीनार फरमाइदन तवाफ ता जिथे हा ना उठाई सा छुप गया पै गए उसे सोची भई अम्मा को अल्लाह दी वली है तो गौस कुतुब अब्दाल है कुरैश ते खान दाम तो ताल्लुक रख दिया सानू लगता है इस बुढ़ी का बड़ा मकाम है पिया मालिक बिन दीनार फरमाइन तवाफ जिथे हा उठाई छोड़ छोड़ियो से बे तवाफ तू दोबारा शुरू करे सा पहले इस बुढ़ी का खुरा कटिए बुढ़ी कौन मालिक बिन दीनार फरमाइन इस बुढ़ी के करीब के हाथ से जोड़े अम्मा दस्त सही तू को अल्लाह की वली है को गौस कुतुब अब्दाल है कुरैश के खानदान तू ताल्लुक रखनी है सानू लगता है तेरा मकाम है पिया हुण जिहड़ा बुढ़ी ने जवाब दिता है ना जवाब सोने दे पानी नाल सोने दे कलम ना लिखण दे काबिल है मैं बुढ़ी दे इस एक जवाब दे पर मैंने तुहानू बुढ़ी दा पूरा वाकया सुनावणा पिया अगर तुसी बुढ़ी दा जवाब जाया कर दिता मेरी मेहनत जाया हो जासी बुढ़ी दा जवाब बड़ा कीमती है खत्म दा समान आ गया मैंने पता है दा मतलब होंदा गुफ्तगू खत्म बस तुसी ये सुनो मैं अपनी गुफ्तगू नु कामिल करेना तवज्जो मेरी तरफ मालिक बिन दीनार सवाल कीता अम्मा तू को अल्लाह दी वली है को गौस कुतुब अब्दाल है कुरैश ने खानदान तो
ताल्लुक रखनी है सानू लगता है तेरा बड़ा मकाम है पिया पुटड़ी का जवाब सुनिंदा पिया नजर तोते सन सानू लगता है तेरा बड़ा मकाम है पिया ओ पुटड़ी बोली ओ सखा मैं को अल्लाह दी वली जा नहीं हां ना मैं को गौस ना कुतुब ना अब्दाला ना कुरैश ने खानदान तो मेरा ताल्लुक है मेरा कमाल तो बस इतना है कि मैं नौकरानी हूं सैयदा फातिमा तुस्सहरा इधर आओ सैयदी व मुर्शदी सैयदी व मुर्शदी करबला के शाह हुसैन।